हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अगर आपने मेरा लास्ट वाला व्लॉग देखा था तो आपको पता है कि मैंने एक चैलेंज के बारे में बात किया था, 75 डे हार्ड। वो चैलेंज फाइनली हम एक्सेप्ट कर रहे हैं एंड आज से ही उसको इम्प्लीमेंट करने का ट्राई करेंगे या फिर देखते हैं आगे क्या होता है। तो उसको मैं इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ अपने लाइफ में, क्योंकि सच बताओ ना, मैं कुछ भी टाइम से नहीं कर रहा। मैं ना टाइम से उठता हूँ, ना खाता हूँ, ना जिम जाता हूँ। जिम के बारे में अगर बताओ तो मैंने सब्सक्रिप्शन ले रखा है कल्ट का, लेकिन पिछले 5 महीने से मैं जिम गया भी नहीं, एक दिन भी नहीं गया, एंड आई एम पेइंग फॉर इट। तो ये सबको ध्यान में रखते हुए मैं सोच रहा हूँ कि 75 डे हार्ड मेरे लिए एक परफेक्ट टर्निंग पॉइंट हो सकता है, जहाँ से मैं खुद के लिए टाइम दे सकता हूँ, खुद के लिए वो सब कर सकता हूँ प्रॉपर वे में, जो हर एक इंसान को करना चाहिए अपने लिए। तो लेट्स सी कि ये कैसे जाता है, बट आई एम गोना डू इट। एंड अभी के लिए चलते हैं जिम, क्योंकि 5 महीने हो चुके हैं जिम नहीं गया हूँ, तो शायद एक मेंटली प्रिपेयर्ड भी हो सकता हूँ जिम जाके कि हाँ, जो मैं स्टेप लेने जा रहा हूँ इट्स नॉट ईजी। 95% ऐसे लोग हैं जो इसमें फेल हो चुके हैं एंड आई डोंट वॉन्ट टू बी वन ऑफ दैम, सो लेट्स ट्राई। एंड अभी के लिए चलता हूँ जिम, मैं और आर्यन दोनों साथ जाएंगे। हम दोनों ने कल्ट का साथ ही सब्सक्रिप्शन लिया था ना, मैं जिम जा रहा हूँ 5 महीने से ना वो, तो हम दोनों जिम जा रहे हैं, बट ये जो चैलेंज है वो सिर्फ मेरा है एंड ये मैं अपने लिए कर रहा हूँ। तो देर इज नो एक्सक्यूज नाउ एंड आई हैव टू डू एंड आई एम गोना डू इट। सो अभी के लिए चलते हैं जिम। अब ये बाइक का की कहाँ चला गया ब्रो? ओह यहाँ पे मैं डेली आता हूँ, रखता हूँ और मॉर्निंग में ढूंढता हूँ। मुझे पता है ये भाई साहब अभी भी सोए होंगे, ये पक्का सो रहा है। मुझे उसके बिहेवियर से लग रहा है वो जाएगा नहीं यहाँ से, क्योंकि वो कितना करने पे तो उठा एंड उठने के बाद भी बहुत स्लो, कुछ भी लाइक फ्रेश भी नहीं हुआ अभी तक। तो मैं जा रहा हूँ क्योंकि लग नहीं रहा है कि जाएगा। तो वो गया फ्रेश होने, मैं निकलता हूँ, क्योंकि अगर मैं वेट भी करूँगा तो मैं लेट हो जाऊँगा। तो लेट्स गो। तो हाँ गाइज, जैसा कि मैं मॉर्निंग में बता रहा था, एंड मॉर्निंग में तो मैं जिम अकेले गया था क्योंकि आर्यन आया नहीं। उसका मेरे को देख के ही पता चल गया कि वो वहाँ जाने वाला नहीं है, क्योंकि वो जैसे उठा जितना स्लो स्पीड में एंड वो चुपचाप बेड पे ऐसे बैठ रहा था। अगर मैं रुकता तो मैं लेट हो जाता, इसलिए मैं निकल गया। एंड जिम से आने के बाद मैंने वही अपना ब्रेकफास्ट में ओट्स का एंड बनाना खाया। तो गाइस, जो मैंने मॉर्निंग में बोला था 75 डे हार्ड का चैलेंज, वो हम कल से अपने डेली रूटीन में इम्प्लीमेंट करेंगे। एंड आज तो जिम गया था मैं एंड बहुत ही अच्छा पॉजिटिव माइंडसेट मेरा बन चुका है ऑलरेडी, क्योंकि आफ्टर 5 मंथ ऑलमोस्ट मैं गया था जिम में, तो बहुत ही लगा कि हाँ, आखिरकार मैं आ गया जो मैं बहुत टाइम से नहीं कर रहा था, तो अच्छा लगा। एंड बाकी वही सीन है, कल से 75 डे हार्ड का जो भी 3-4 रूल्स है मैं उसको इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। मैं पहले क्या सोचा था ना कि 75 डे के 75 डे मैं हर दिन एक एक व्लॉग करूँगा एंड मैं ये चीज़ भी 75 डेज में इंक्लूड करने वाला था, बट ये बहुत हार्ड हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं व्लॉगिंग्स भी 75 डेज के साइकिल में इंक्लूड करता हूँ तो मेरे लिए काफ़ी हार्ड हो जाएगा, क्योंकि एक तो मेरा वर्क लाइफ है उसको बैलेंस करना, साथ में व्लॉगिंग लाइफ को बैलेंस करना, उसके बाद उस 75 डेज के सारे रूल्स को फॉलो करना विल बी वेरी हार्ड फॉर मी। और एक चीज़ मैं भूल गया इसमें, आपको पहला चीज़ कि 2 टाइम एक्सरसाइज होना कंपलसरी है, एटलीस्ट 45 मिनट्स। सेकेंड चीज़, 4 लीटर ऑफ वाटर कंज्यूम करना बहुत ज़रूरी है। और तीसरा, सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर आपको एक बुक डेली 3-4 पेजेस रीड करना है। और फोर्थ चीज़, आपको अल्कोहल कंज्यूम नहीं करना, जो कि मैं नहीं करता, वेरी इजी। एंड उसके साथ ही आपको कोई भी एक था, मतलब कुछ खाने से रिलेटेड था आपको, हाँ, डाइट मेंटेन करना है जो भी आप खा रहे हो। तो वो ये सारे चीज़ें अगर मैं फॉलो करता हूँ 75 डेज तक, देन ओनली मैं इसको क्वालिफाई करूँगा, देन ओनली मैं इसको कर पाऊँगा अचीव जो भी मैंने स्टार्ट किया है। और रही बात मेरे व्लॉगिंग्स का, तो इसके रिलेटेड मैं 75 डेज में जो भी कर रहा हूँ वो मैं शॉर्ट वीडियो के तरह अपने ही चैनल पे डालता रहूँगा। एंड अगर आप 75 डेज के बारे में नहीं जानते हो तो एक ऐसा चैलेंज है ना, अगर आप इन सारे चीज़ में से एक चीज़ भी मिस कर दोगे तो आपको फिर से जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। एंड दैट इज़ द हार्डेस्ट पार्ट, कि अगर आप एक दिन अगर पानी भी भूल गए ना, अगेन आपको डे 1 से स्टार्ट करना है। एक्सरसाइज, दोनों में से कोई भी इंडोर या आउटडोर एक्सरसाइज भूल गए, जीरो से स्टार्ट करना है। अगर आपने सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर एक पेज भी नहीं पढ़ा एक दिन में, तो जीरो से स्टार्ट करना है। बट स्टिल मैं 75 डेज का 75 डेज, मतलब डे 1 से लेके 75 डेज तक, अब हमारा जो भी
ये चैलेंज है, उसको कंप्लीट करते हुए एक एक शॉट अपने ही चैनल पे डालूंगा, ताकि 75 डेज तक जाते जाते मेरे को भी पता चले एंड आप लोगों को भी पता चले कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। एंड आपको भी अगर करना हो तो ज़रूर करो, बहुत ही अच्छा सेल्फ डेवलपमेंट टाइप का ये चीज़ है, ताकि आप अपने एक ओवरऑल डेवलपमेंट को बूस्ट कर सकते हो, क्योंकि आज के बिजी लाइफ में हम सब लोग कहीं ना कहीं खो गए हैं, मैं भी, आप भी एंड बाकी सब लोग भी। तो हमें ये बहुत ही अच्छे से हेल्प करेगा ताकि हम अपने डेली लाइफ को एक मेंटेन ट्रैक पे ला सके। तो या आई एम रेडी फॉर इट एंड आई एम गोना डू इट। और डेली मेरे 1 to 75 डेज तक एक एक शॉर्ट्स आएंगे जहाँ पे मैं सब कुछ दिखाऊंगा कि मैंने सारे टास्क कंप्लीट किए या नहीं किए। अगर नहीं करता हूँ तो मुझे फिर से day 1 से ये 75 डेज का टारगेट शुरू करना पड़ेगा एंड वो मैं करूँगा। तो लेट्स सी कि मैं कितनी बार फेल होता हूँ या फिर मैं एक गो में ही सारा कंप्लीट करता हूँ, विच इज़ नॉट पॉसिबल, ऐसा बहुत लोग बोलते हैं, बट हम चेक करते हैं कर पाते हैं या नहीं। बाकी व्लॉगिंग्स मेरा कंटिन्यू रहेगा, नॉट एवरी डे बट वीक में 2 तो कन्फर्म है। एंड अभी मैं बैंगलोर को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करूँगा क्योंकि माइंडसेट वैसा बन चुका है। आई एम वेरी मोटिवेटेड राइट नाउ एंड सेल्फ मोटिवेशन और सेल्फ कॉन्फिडेंस एक ऐसा चीज़ होता है ना जो कि आपको बहुत ही अलग लेवल तक ले जा सकता है इफ़ यू हैव दैट। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू बिल्ड इट इन मी एंड बाकी देखते हैं कि 75 डेज के बाद मेरा सेल्फ मोटिवेशन और मेरा सेल्फ डेवलपमेंट कितना और बूस्ट होता है। बस इतना ही बात करना था आपसे एंड इसीलिए मैं आ गया था इतना खुले मैदान में, एक खुले फील्ड में, ताकि मैं दिल से वो बता सकूँ जो मैं बताना चाहता था। एक बंद दीवार में वो चीज़ जल्दी नहीं निकलती जो आप दिल से बोलना चाहते हो, तो इसलिए मैं इधर आया ताकि मैं वो सब अपने दिल से बोल सकूँ जो मैं सही में बोलना चाहता था। एंड दिस इज़ हाउ इट इज़। एंड अगर आप उधर देख सकते हो तो कंस्ट्रक्शन बहुत ही तेज़ी से चल रहा है एंड आई थिंक 75 डेज में ये भी हो जाएगा, लेट्स होप। तो गाइज मुझे बस इतना ही बोलना था एंड इससे पहले आज तक मैंने कभी भी कैमरे के सामने इतना खुल के बात नहीं किया, ये फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं ऐसे खुल के बात कर रहा था। एंड इतना ही है, बाकी जो भी है आपको पता चल जाएगा आगे आने वाले सारे वीडियोज़ में, मेरे चैनल पर ही मिलेंगे वो सारे 75 डेज हार्ट के एक एक दिन के वीडियो जो मैं शूट करूँगा आप लोगों को दिखाने के लिए एंड खुद के लिए, ताकि मैं उस चीज़ को अचीव कर रहा हूँ। बाकी इतना ही है, बहुत हार्ड होगा क्योंकि हार्ड है तभी तो बहुत कम लोग कर रहे हैं इंक्लूडिंग मी, नहीं तो आप सब भी कर सकते थे। आई एम जस्ट किडिंग, आप लोग भी करो, इट्स अ वेरी गुड थिंग टू डेवलप योर ओन। एंड एट लास्ट मैं बस इतना ही बोलूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि आने वाले 75 डेज मेरे लिए एंड ये मेरे पूरे चैनल के लिए एंड मेरे पूरे यूट्यूब फैमिली के लिए बहुत ही बहुत ही बहुत ही ज़बरदस्त होने वाले हैं। यस तो 80। तो ये चलो फाइनली आ गए रूम, चलता हूँ देखता हूँ कि डिनर का क्या प्लान है, कुछ बनाएंगे रात को, क्योंकि अब तो खुद से ही बनाना है ना, तो खुद से प्लान करना पड़ता है कि क्या बनाना आ रहा है आज रात। चलो रूम तो आ गए, बाकी आज का बहुत अच्छा था गाइस, मज़ा आ गया दिन। एंड कल से तो सब कुछ अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा, तो देखते हैं कैसे कर पाता हूँ। वेरी नर्वस क्योंकि ऑलरेडी इतने ज़्यादा लोग फेल हो चुके हैं, नहीं कर पाए हैं एंड 95% लोग तो वैसे ही फेल हो चुके हैं ओवरऑल, जितने लोग ट्राई किए थे इसको करने के लिए। तो इसके लिए मेरे को थोड़ा नर्वसनेस है कि ये अगर इतना ईजी होता तो उतने लोग फेल ही क्यों हुए होते। तो इसके लिए मुझे बहुत ही ज़्यादा कंसिस्टेंट होना पड़ेगा एंड अपना 100% देना पड़ेगा, बाकी वो तो मेरे को आगे पता चल जाएगा कि मैं इसके लिए कैपेबल हूँ या नहीं हूँ। बट जो भी हो, मैंने एटलीस्ट स्टार्ट किया, मैं बैठ के देख नहीं रहा, मैंने कुछ ना करने से सही कुछ किया, इसको सोच के मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगा अगर मैं फेल भी हो गया तो। बट मैं कर रहा हूँ, कल से अच्छे से हर रूल्स फॉलो करूंगा एंड आई एम गोना किल इट मैन। एंड एक बार और मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि जो ये 75 डेज तक मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ, इसका मैं एक तरह से डेली व्लॉगिंग्स तो नहीं कर रहा, बट स्टिल मैं एक शॉर्ट वीडियो के थ्रू लाइक day 1 से लेके day 75 तक एक एक शॉर्ट मेरे चैनल पे मिलेगा ऑन डेली बेसिस, कि मैं day 1 पे मैंने टारगेट अपना कंप्लीट किया नहीं किया, day 2 पे किया नहीं किया। एंड इसके रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होंगे 75 डे हार्ड चैलेंज को लेके, वो शॉर्ट वीडियो के थ्रू ही मैं डालूंगा, बाकी मैं मेन व्लॉगिंग से इतना फोकस नहीं रहूंगा उस चीज़ को करने के लिए। एंड मेन व्लॉग्स तो आते रहेंगे क्योंकि गाइज
आने वाले नेक्स्ट ब्लॉग बहुत ही किलर होने वाले हैं, क्योंकि मैं बैंगलोर में हूँ एंड मैं कहीं कुछ जा ही नहीं रहा। आई एम नॉट इवन एक्सप्लोरिंग द बैंगलोर, द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। तो आई एम थिंकिंग कि नेक्स्ट ब्लॉग से ही अच्छे से सारे बैंगलोर को एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि बहुत चीज़ है भाई दिखाने को एंड देखने को। मैंने खुद को नहीं देखा है आधे से ज़्यादा बैंगलोर, तो ब्लॉगिंग के जरिए मैं खुद भी एक्सप्लोर कर लूँगा एंड आप लोगों को तो दिखाई दूंगा, क्योंकि अगर यहाँ पे हैं एंड नहीं कर रहे हैं तो क्या ही कर रहे हैं भाई। एंड एक और चीज़ मुझे बताना था, मेरा ट्राइपॉड आ गया फाइनली, तो आज से ब्लॉगिंग मेरे को यूं कैमरे से पकड़ के नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा अगर दिखाऊँ ना तो मैं ऐसे पकड़ता था ऐसे, तो इट इज़ वेरी हार्ड टू होल्ड द फोन लाइक दिस फॉर अ वाइल। तो इसके लिए मैंने अपना ट्राइपॉड ऑर्डर कर दिया था एंड वो फाइनली आ गया है, तो उसको मैं दिखाता हूँ। लेकिन उससे पहले इस भाई साहब को निकाल देता हूँ, इसमें बहुत गर्मी हो रहा है सच्ची, एंड बाहर से आया ना धूप भी था थोड़ा, तो अभी इसको निकाल के फ्रेश होता हूँ, हाथ मुँह धोता हूँ एंड कुछ खाता हूँ, उसके बाद से मैं वो ट्राईपॉड का दिखाता हूँ। लेकिन सच बता रहा हूँ, नेक्स्ट ब्लॉगिंग बहुत ही किलर आने वाली है, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड अभी तक नहीं किया तो क्या कर रहे हो भाई आप लोग, सब्सक्राइब करो। ट्राईपॉड नाउ, कुछ ऐसा हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं लाइक इफ आई शो यू। हेलो गाइज, वंस अगेन वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, एंड जैसा कि आप देख सकते हो ये मेरा ट्राईपॉड है जिसको मैंने अभी कुछ देर पहले ही बाय किया, एंड प्रीटी मच इजी टू यूज एंड हैंडी है, तो आज से मेरे को कुछ ऐसा फ़ोन नहीं पकड़ना पड़ेगा। आई कैन होल्ड इट लाइक दिस वे एंड ये कहीं भी रख भी सकते हो, तो दैट्स अ गुड थिंग। तो कुछ ऐसा ही है इसका ट्राईपॉड का, इसको सीधा भी कर सकते हैं एंड हाँ, तो ये रहा वो ट्राईपॉड एंड इसके ऊपर हम वो माइक भी फिट कर सकते हैं, तो देखता हूँ वो कब लेना होता है। बाकी अभी तो इससे ही करेंगे ब्लॉगिंग आज से,